गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं एक पौधे के पास खड़ा हूँ। इसको पेड़ तो नहीं बोलेंगे, पौधा ही रहेगा प्लांट की कैटेगरी में। और इसका नाम आप देख पा रहे हैं, इसको पहचान रहे होंगे देख कर ही इसके पत्ते को। ये केले का पेड़ है या पौधा है। और इसके लीव्स अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसको फोकस करिए कैमरा मैन, तो इसके लीव्स का जो विनेशन होता है, यानी लीव्स में जो वाटर सप्लाई करने के लिए ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, वो एकदम स्ट्रेट है। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग पैरेलल विनेशन बोलते हैं, है ना। तो दो तरह के प्लांट होते हैं ओवरऑल पूरी दुनिया में। एक पैरेलल विनेशन वाले लीव्स के प्लांट होते हैं और एक रेटिकुलेट। तो फिलहाल हमारा केला जो है पैरेलल विनेशन वाले लीफ वाला प्लांट है। इसका साइंटिफिक नेम है म्यूसा एक्यूमिनेटा, ठीक है। एक्यूमिनेटा वेराइटी इंडिया में पाई जाती है, विदेशों में या अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में जो केले की वेराइटी पाई जाती है उसका कुछ अलग नाम रखा जाता है, ठीक है। लेकिन म्यूसा कॉमन रहेगा, एक्यूमिनेटा इंडियन जीनस का नाम है और बाकी वैसे चेंज होता रहेगा। तो ये केले का पौधा आप सभी देखे होंगे, इसके फ्रूट्स को भी खाए होंगे, जैसा कि यहाँ देख पा रहे होंगे आप, ये काफ़ी सारे केले लगे हुए हैं। तो आज इसको दिखाने का मेरा मेन उद्देश्य ये है कि आप ये देख पा रहे हैं कुछ स्टूडेंट के हाथ में ये कुछ फ्लावर जैसा था, ये काटा गया। हमारे जो स्कूल के गार्डनर हैं उन्होंने इसको काट कर यहाँ से निकाला है, ऐसे लगा रहा होगा फ्लावर। अब इसी फ्लावर के बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे बहुत ही क्विकली। तो ये इसका आउटर पेटल है, इसको मॉडिफाइड लीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडिफाइड लीफ। और ये किस कलर का है? पर्पल या रेड जैसा बोल सकते हैं, डार्क ऑरेंज या मरून। हाँ, अंदर से थोड़ा सा आपको ऑरेंज टाइप लगेगा, बाहर से मरून टाइप का, मरून कलर का वायलेटिक भी लग रहा है। तो इसको हम लोग लेयर बाय लेयर खोलने का प्रयास करें। काफी इसका थिक मॉडिफाइड लीफ है, ग्लू से लग रहा है, इतना थिक है कि इसको अंदर सपोर्ट दे रहा है। अदरवाइज नहीं तो अंदर का पार्ट नहीं दे सकता है। ये प्रोटेक्शन देने के लिए इस तरह से होता है। आप इधर आइए कैमरामैन, दूर मत भागिए। अब इसके बेस पे आप देखेंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं, दिख रहा है? यस सर। हाँ यस सर। तो ये है इसके फ्लावर के पार्ट्स, यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ठीक है। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को अगर हम लोग एक एक्सपोज करें या तोड़ें तो देखते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या मिल सकता है हमको। तो इसको खोलिए आप अभिराज, इसको ध्यान से। हाँ, तो ये देखिए, जैसा कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं प्लांट के रिप्रोडक्शन सिस्टम में, ये सबसे जो मिडिल हिस्सा है इसको देख पा रहे हैं आप? यस सर। हाँ, ये है फीमेल पार्ट का ऊपरी हिस्सा, दैट इज स्टिग्मा, ये स्टाइल, और बेस में ओवरी होगा। अभी हम लोग उसको डाइसेक्ट करके ब्रेक करके देखेंगे। साइड में जो वाइट वाइट निकले हुए हैं ये मेल पार्ट है, यानी कि एंथर हैं, ठीक है। चलिए हम इसके बेस को डिटैच करिए, देखते हैं ओवरी कैसा दिखता है इसका। आराम से जरा टूट जाएगा, देखते रहते हैं। ओवरी इसके बेस में होगा, इसी से अटैच होगा सेंट्रल पार्ट से। तो ये स्टिग्मा, स्टाइल एंड बेस में ओवरी होगा। हाँ, थोड़ा सा थिक पार्ट रहता है बेस में। तो ये इसका ओवरी के लिए होता है बेस में थिक पार्ट। बिल्कुल बिल्कुल, सारे पार्ट्स में किसी न किसी अदर पार्ट से कवर्ड है ताकि वो प्रोटेक्टेड रहें। तो ये इसका क्या है? ओवरी। ओवरी थोड़ा सा ब्रेक हो गया कि इन्होंने तोड़ा है, ठीक है। तो ओवरी क्या होता है? फ्यूचर में चल के मैच्योर होकर फल में कन्वर्ट होता है, यानी यही ओवरी जो है आगे बड़ा होगा, फ्लावर खुलेगा, ये पार्ट्स और लेंथी होंगे, ऊपरी पार्ट्स गिर जाएंगे, और पॉलिनेशन के बाद जो बेस है, जो ओवरी है, वही बढ़ता जाएगा और इस तरह के कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, ठीक है। और उस ओवरी के अंदर ओव्यूल रहते हैं, जैसा कि आप देखेंगे पास में लाइए, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे ओव्यूल आपको दिख नहीं रहे होंगे क्योंकि वाइट कलर का है। ओव्यूल यानी वो फर्दर डेवलप होकर के सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कई सारे फ्लावर हम लोग देख रहे हैं, एक ही बड़े से फ्लावर में छोटे छोटे मेल फीमेल पार्ट्स हैं, और उसके बेस में जो ओवरी है वो फर्टिलाइजेशन के बाद मैच्योर होकर के फ्रूट में कन्वर्ट होता है, और उस ओवरी के अंदर ओव्यूल जो है वो मैच्योर होकर के सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। यस सर। ओके, थैंक यू।